करवा चौथ आ गया यार, मेकअप कहाँ से कराऊँ, कैसे करूँ मैं अपना मेकअप यार, मुझे मेकअप करना नहीं आता, मैं कैसे सजूँ अपने करवा चौथ पर। अरे मेरी तो नई शादी हुई है, मैं कैसे करूँ मेकअप, पार्लर वाली बहुत ज़्यादा पैसे लेंगी करवा चौथ का मेकअप कराने के लिए। वही है यार, मुझे मेकअप नहीं आता। अगर आप ओल्ड हो और मतलब मान के चलो आपकी शादी को 4-5 साल, मतलब पुरानी शादीशुदा आप लोग हो, और कहाँ से मेकअप करें, कैसे मेकअप करें, अब मुझे मेकअप को कुछ नहीं आता, पहले क्या लगाऊँ क्या ना लगाऊँ, कैसे तैयार हूँ। आप यही सब सोच रहे हो तो आप लोग सही वीडियो पे आए हो। तो गाइस, हाय गाइस, तो मैं हूँ मिन्नत, और गाइस मैं आज आपके लिए है ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें अगर आपको मेकअप का A to Z कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करें, क्या करें, नहीं पता कुछ भी, तो आज मैं आपको शुरू से लेके एंड तक मेकअप कैसे करते हो सिंपल वे में, और आप अपने करवा चौथ पे ना तैयार होना चाहते हो, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो गाइस इस मेकअप को स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बहुत ही अच्छा से मेकअप खुद कैसे करें अब करवा चौथ पे बिना पार्लर जाए। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है कि हम अभी बैठे हुए आराम से है ना, अब सबसे पहले करें तो करें क्या, तो पहले क्या करना है, मैं अपने फेस को वॉश करना है किसी भी अच्छे है ना फेस वॉश की हेल्प से। अगर फेस वॉश नहीं करना तो आप यूज़ कर सकते हो वाइप्स, तो ये वाइप्स आते हैं, और इससे क्या करना है अपने पूरे फेस को क्या करना है, क्लीन करना है, जिससे जो हमारे फेस पे जो डर्ट वर्ड जो जितने भी धूल मिट्टी होगी ना तो वो सारी हट जाएगी। तो ये कुछ वाइप्स इस तरीके का होता है, गीला टिश्यू पेपर की तरह ही होता है, तो इससे मैं फेस को क्या करूँगी क्लीन। आप ये इसके बदले आप अपना फेस वॉश भी कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बोला। तो गर्ल्स मेकअप में जो मेन हमारा होता है CTM, तो CTM में पहला होता है क्लींजिंग है ना, तो क्लींजिंग आप फेस वॉश से कर सकते हो, वाइप्स की हेल्प से कर सकते हो। तो फेस को पहले क्या करेंगे हम, क्लीन करेंगे ना। अब टोनर हमें यूज़ करना, अब टोनर तो आपको पता नहीं हो क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, रोज़ वाटर होता है, रोज़ वाटर को आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो, जिससे क्या होगा एक अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो आएगा आपके फेस पे, ठीक है। और तो इसमें मेरा रोज़ वाटर है, तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, इससे क्या होगा फ्रेश फ्रेश भी आपको फील हो। तो मैंने रोज़ वाटर को ऐसा टोनर तो लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने स्किन को हाइड्रेट करना है, तो इसके लिए हम मॉइस्चराइज़र को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं ये ले रही हूँ हनी आलमंड्स का मॉइस्चराइज़र, ठीक है। इसको इससे क्या होगा, हमारा जो बेस होगा अच्छी तरीके से फ्लॉलेस भी बनेगा, और हमारी स्किन से हाइड्रेट होगी, जिससे हम जो चीज़ लगाए ना बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई भी होगा। तो मैंने अच्छी तरीके से है ना मॉइस्चराइज को लगा लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो रही है मेरी स्किन। अब यूज़ करेंगे प्राइमर, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल को, ठीक है, और इसके बदले आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं एलोवेरा जेल को यूज़ करूँ एज अ प्राइमर। इससे क्या होगा, जो हमारे जितने भी ओपन पोर्स होंगे ना ये उसको फिल कर देगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से उसको भी अप्लाई करूँगी, हमें टाइम दे दे के करना है, ठीक है। तो गाइस अब मैं अपना बेस मेकअप करूँगी, बेस मेकअप के लिए मैं ये फेयर लवली बीबी क्रीम को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, बट मैं बीबी क्रीम से आपको मेकअप करना बता रही हूँ, क्योंकि वो सारे लोगों को फाउंडेशन का अपना शेड नहीं पता होता, तो आप फेयर लवली बीबी क्रीम ले सकते हो, कोई सी बीबी क्रीम ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको हैंड पे रख के डॉट डॉट में पूरे फेस पे लगाऊंगी। आप क्या कर सकते हो, ये जो फेयर लवली बीबी क्रीम है उसको हैंड से भी कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप हैंड से कर सकते हो, मैं तो हाथ से कर लेती हूँ। तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको हैंड से करने के बाद अच्छे से डब डब करूँगी। तो मैंने एक पानी ले लिया है और ये छोटा सा ब्लेंडर को इसमें डिप करूँगी, तो ये ड्राई था, इसमें मैं इसको डाल के वेट कर रही हूँ, ऐसे करना दबाना है। इसका साइज़ क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका साइज़ देखते हो कितना बड़ा हो गया, इसका पानी साल निकालना है। निकालने के बाद किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से, ड्राई टिश्यू पेपर से कर सकते हो, तो मैंने बेडशीट वाले कपड़े से कर लिया, ठीक है। करने के बाद इसको ऐसे करना अच्छे तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे डब डब कर, ऐसे करना नहीं हमें, ठीक है, ऐसे ऐसे हल्का सा टच करके ऐसे ऐसे करना, प्रेस करना ब्यूटी ब्लेंडर को,
जो हमारा हैंड से ना ब्लेंड नहीं होगा, इससे हो जाएगा ब्लेंड। कैमरे को जूम कर लिया ठीक है। तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो लिपस्टिक। अब लिपस्टिक के लिए ही मैंने ये वाला लिया छोटा सा, इसको मैं ब्लश की तरह यूज़ करूँगी तो यहाँ पे कर लूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी। आप हाथों से भी कर सकते हो, देख सकते हो। बस इतना कि ज़्यादा मत लगाना ठीक है, मीडियम लगाना। देख सकते हो बहुत अच्छा कलर है फेस पे ना, टिंट टिंट की तरह आ गया है कलर। करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी ये पॉन्स का पाउडर और इससे फेस को क्या करूँगी, सेट कर लूँगी। तो इसको किसी चीज़ पे रख लूँगी मैं, तो लेके थोड़ा डस्ट ऑफ करके यहाँ पे करूँगी। तो इसके बाद हम करेंगे अब आई मेकअप से स्टार्ट ठीक है। और आई मेकअप के लिए देखो मैं पहले क्या करूँगी, तो मैं ये वाला पैलेट ले रही हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। मैट कलर भी मिल जाएंगे, शिमरी कलर भी मिल जाएंगे और ब्लैक ट्रांस क्या कहते हैं उसको, ट्रांजेक्शन कलर भी मिल जाएंगे। तो आप तो अगर आपको तो कुछ आता नहीं तो अब मैं आप बता रही हूँ, देखो आप अपने हाथों का यूज़ करके अपना अच्छा खासा आई मेकअप कर सकते हो ठीक है। पहले क्या करूँगी, तो इसमें पहले इस वाले फिंगर में क्या करूँगी, शिमर लूँगी। तो मैं इसमें गोल्डन शिमर ले लूँ ठीक है, ले लिया। अब इस वाले मिडल में लेना हमें मैट कलर ठीक है। मैट में मैं लूँगी ये ब्राउन ठीक है, ब्राउन ले लिया। अब इस वाले में लूँगी ब्लैक कलर ठीक है। आप जितने कलर ले सकते हो अपने आई मेकअप में डालना चाहते हो उतने ले सकते हो ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। पहले क्या करना है, ये वाला जो है इस पर करना है आगे की तरफ ठीक है। आप करूँगी जो मिडल में ब्राउन है इसको करूँगी यहाँ, यहाँ प्रेस करूँगी, कर दिया ठीक है। अब ये जो ब्लैक है इसको यहाँ आँखों के कोने में डालूँगी ठीक है। हुआ, थोड़ा यहाँ तक कर दो ना। अब ये हमारा अभी ये हुआ नहीं ठीक है। आपको इस तरीके का ब्रश ले सकते हो। अब इसको क्या करना है, हमें ऐसे से सी कर सकते हो या फिर ऐसे से ओ बनाना ठीक है। ओ बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, ऐसे में पर ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, पर ऐसे से करना ओ बनाना है, जैसे होता है ना स्ट्रक्चर ओ, तो ओ की तरह करना ठीक है। इस तरीके से करना हल्के हाथों से, यहाँ से मैं नहीं करना, यहाँ से करना ठीक है। हो गया ओ बनाना में, तो इस रन बहुत ही अच्छा खासा ये ब्लेंडेड हो गया ये ठीक है। अब इस वाले आँख में इसी तरीके से करते, पहले में मैंने शिमर लिया ठीक है, सेकंड में ब्राउन, थर्ड में ब्लैक ले लिया। फिर करूँगी ऐसे, ले लिया ले लिया, थोड़ा ही ज़्यादा लगाना है ना। करने के बाद अब करना है इसको भी ओ डायरेक्शन में ब्लेंड, यहाँ से ब्लेंड करना है। इधर से करोगे तो ज़्यादा फैला फैला, इधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा करना। और हमको क्या करना है, इसके भी एजेस ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा एजेस, इसको यहाँ पे जो लाइन बनी हुई ना इसको मिक्स करना कलर को हल्का हल्का हाथों से ठीक है। मैंने कोई कलर नहीं लिया, ऐसे कलर को ही ऐसे कर दूँगा। तो सी दिस, अब इतना नहीं देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई मेकअप में सिर्फ इतना ही, देख सकते हो कितना ज़्यादा ही सिंपल आई मेकअप करना। इसी तरीके से आप अलग अलग कलर लेके कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना बीच में आप शिमर डालना ठीक है, और आउटर कॉर्नर पर डार्क कलर डाल सकते हो, है ना। अब इतना तो हमारा आई मेकअप हो गया, अब लाइनर कैसे लगाए। तो गाइस कोई सा कार्डबोर्ड ले सकते हो, तो हमें विंग बनानी है, तो इसको क्या करना है कॉर्नर पे इतना कर देना है ना। और जैसे आपको विंग चाहिए तो वैसे कर सकते हो, यहाँ पे आँखों के एंडिंग में रखेंगे ना, तो जितना ऊंचा चाहिए लंबा चाहिए आपके अकॉर्डिंग ना। तो हमें ऐसे करके देखना वाल का सा। अब क्या करना है, ब्रश ब्रश बहुत सारी विंग नहीं बनती, तो इसको साफ करके हमें पतला सा करना है ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो देखते तो बहुत ही ज़्यादा मेरे थोड़े बाल लग गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है विंग बनाना ठीक है। तो इसी के थ्रू मैं सेकंड तक लगा के दिखा दिया आपको ना। तो हमेशा याद रखें जितना आपने इसमें रखा इतना इसमें भी रखना है ठीक है। पतला पतला से करना है, हल्का आराम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो देखते तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब जैसे उनकी आँख क्या करना है, अब हमें कोई काजल लेते ठीक है। अब इस काजल को हमें आँखों के नीचे लगाना है, इतना लगने के बाद क्या करना है, एक इसके एक ब्रश लेना है और इसी में से ब्लैक कलर का आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर है, इसको लेके इसी काजल पे रखना है, जिससे काजल क्या होगा फैलेगा भी नहीं आपका।
देख सकते हो बहुत सीधा डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो आंखों में कितना बोल्ड और अच्छा लग रहा है, और ये सिंपल सा लग रहा है। इतना करने के बाद आप चाहते हो कि आंखों के अंदर से भी विंग निकले, तो वही कार्ड ले लेंगे हम और उसी ट्रिक के थ्रू हम करेंगे अंदर से, पर इसमें हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है ना फैल जाएगा। अब क्या करेंगे हम अपने आईब्रो को सेट करने के, तो मैंने इस टाइप का एक ब्रश लिया है। मैं तो मुझे पहले ना ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल ब्लैक अच्छा लगता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा हल्की आईब्रो है तो आप डार्क ब्राउन यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा है तो ब्राउन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी मीडियम, मतलब ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, तो इसी में से मैं ये ब्लैक कलर लूँगी और इससे सेट करूँगी। देखो, और आईब्रो में हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ तक हमें मतलब मीडियम रखना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से करना है। सो हम इतना नेचुरली रखेंगे, तो कितना डिफरेंट आ चुका है हमारा आईब्रो को फिल करने से। और हमेशा याद रखना है दोनों को इक्वल करना है, किसी को बड़ा किसी को छोटा किसी को मोटा वोटा ऐसा नहीं करना, ठीक है। दोनों करना है तो हमें इक्वल लगना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद हम फेक लैशेज लगा सकते, अगर आपको नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, और लगाना है तो लगा सकते हो। तो मैं ये नेचुरल वाले 3D आई लैशेज यूज़ कर रही हूँ, तो इसको लगाने का भी एक तरीका होता है। इसमें जितने भी आते हैं ज़्यादातर बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, और मेरी जो आँखें हैं वो छोटी है, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा साइड, तो ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा अपने आइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसमें से क्या करना है, इधर बाहर की जो साइड है ना बड़ी बड़ी जहाँ से देखेगी वहीं से है ना 2-3-4 इतने बाल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका निकालने का यही है, इधर से आप निकालना है ना, वरना शेप्स बिगड़ जाता है अगर बीच से आप निकालते हो। तो इसको कट लगा देना, देख सकते हो जिधर से बड़ा उधर से कट लगाएंगे। तो मैंने इतने बाल निकाले, ठीक है। अब क्या करना है, ग्लू, तो मैंने ये वाला ग्लू ले रही हूँ मैं, तो मैंने ये वाला ग्लू ले रही हूँ इसको स्टिक करने के लिए। ग्लू, तो जब तक हमारे आईलैशेस क्या हो रहे हैं सूखने के लिए मैंने छोड़ दिए। अब क्या करना है, हमें लिपस्टिक लिए तो ये वाला ले रही हूँ छोटू का, पर लिपस्टिक लगाने से पहले हमें क्या करना है, रेड कलर की लिपस्टिक को जिस मैच का ये है इसी कलर का ये वाला लेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम तक लिपस्टिक रहेगा, ठीक है। तो मिरर, ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी पिक्स आपको बता सकती हूँ। करने के बाद आप लिपस्टिक को लगाऊंगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, और हमारा आउटफिट जो महरूम है तो इस पर रेड पर क्या करेंगे, इसमें महरूम कलर नहीं है तो ये पर्पल जैसा डार्क पर्पल, तो उसी को इसी पे लिप्स पे डालेंगे। तो ये थोड़े इस मैच का हो गया है, तो हमारी लिपस्टिक तो हो गई इस मैच की। अब लैशेस को हम लगाएंगे, तो इसको 50% या 70% तक ड्राई होने देना, तो जिधर से ज़्यादा पंखुड़ी होगी तो इसको हम बाहर की साइड लगाएंगे, तो इसके ज़्यादा इधर से है तो ये सॉरी इसका है, तो इसको क्या करेंगे इस तरीके से आँखों पे रख देंगे। तो इतना हमारा स्टिक हो गया, आप सेकंड वाला भी करते हैं। तो देख सकते हो दोनों आई लैशेस लग गए, बिल्कुल नेचुरल वाला लिया मैंने, और अब इसमें बस कमी है तो सिर्फ ब्लश की, ठीक है। अभी लाइट हो गया ब्लश और हाइलाइटर की, तो मैंने क्या किया आई शेडो पैलेट में से मैं ब्लश के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं ना मतलब लाइट, मतलब मेरा वार्म अंडर टोन है तो मुझे डार्क ही, मतलब डार्क ब्लश चाहिए, लेके डस्ट ऑफ करना है, हल्का हल्का ऐसे करना है। करने के बाद अब मैं हाइलाइटर के लिए, अब इस वाले पैलेट में से ये हाइलाइटर भी आते हैं, तो आपको ऐसा मतलब प्लफी सा ब्रश जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो, ठीक है, वैसा वाला ब्रश लेना, और इसमें से जो मैंने आई मेकअप के लिए हाइलाइटर लिया ये वाला गोल्डन, तो इसी को ऐसे हल्का सा प्रेस करके लेना, ज़्यादा दबा के नहीं लेना, ऐसे हल्का सा प्रेस करने के बाद डस्ट ऑफ करना है, फिर ऐसे करना, ठीक, ऐसे करना हल्का हल्का, तो शाइन देख सकते हो आ रही होगी बहुत।
कंप्लीट। और मैं अभी है ना जॉलिक पहन के भी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।